देख जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं काफी गीला हुआ हूँ, बाहर बारिश बहुत आ रही है और रेनी सीजन चल रहा है, तो आप सबको रेनी सीजन को बहुत बहुत एंजॉय कीजिए। और जैसा कि मैं जिम में हूँ अभी और काफी गीला भी हो चुका हूँ, तो ज्यादा एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैं आज सिर्फ आपको फोर आर्म्स की तीन एक्सरसाइज बता देता हूँ। और तीनों एक्सरसाइज सिर्फ ये दो हमारी रॉड और डंबल से हो जाएगी, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, तो आप बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ और देखिएगा। हम सबसे पहली एक्सरसाइज लेंगे हैमर कर्ल, और हैमर कर्ल की हम लोग 3 सेट्स लेंगे और उसकी कम से कम 14 से 16 रेपिटेशन लेंगे, और तीनों सेट्स बहुत हैवी होने चाहिए और जिससे आपकी फोर आर्म्स, एक्चुअली क्या है कि फोर आर्म्स जो है हमारी ना वो बाइसेप्स की नींव है एक तरह से, अगर फोर आर्म्स मजबूत होंगे हमारे तो हमारी बाइसेप्स भी अच्छी बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस तरह से रखना है, तो दोस्तों दूसरी मेन अपनी एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल में हम लोग जो ये रॉड है इसको इस तरह से रिवर्स साइड से पकड़ेंगे, और रिवर्स कर्ल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके फोर आर्म्स की। दोस्तों इसके हम लोग 3 सेट्स लेंगे, 14 रिपीटेशन के लेंगे, और अगर 14 रिपीटेशन थोड़ा सा हैवी वेट लगा के हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, इससे फोर आर्म्स पे आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट कर्ल की। फोर आर्म्स में एक पार्ट होता है रिस्ट का, जहाँ पे आप लोग अपनी वॉच बांधते हैं रिस्ट कर्ल, तो रिस्ट की जो एक्सरसाइज है वो ये है। नीचे बैठ जाओ, दोस्तों ये हमारी 3 एक्सरसाइज थी, इसमें भी आपको 3 सेट्स लेने हैं 14 रिपीटेशन के या 16 रिपीटेशन के। दोस्तों ये हमारी 3 मेन एक्सरसाइज थी फोर आर्म्स की, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइज करके, और बाइसेप्स के साथ साथ हम लोग फोर आर्म्स भी ले लेंगे ताकि आपके बाइसेप्स अच्छे से ग्रो हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।